हेलो गाइस, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिश टैंक में कौन सी मछली होती है जिसे हम रखते हैं, जिसकी मदद से आप अपने फिश टैंक की गंदगी को साफ कर सकते हैं। यानी कि वो फिश जो होती है, वो मछली जो होती है, वो पूरे फिश टैंक का जो गंदा कचरा होता है वो सब खाती है। तो आइए मैं आपको लाइव उसको दिखाता हूँ। लीको सुकर, दोस्तों ये एक ऐसी फिश है जो आपके पूरे एक्वेरियम को साफ कर देती है। आप देख रहे होंगे, ये जो इस टाइप से इसका मुंह खुला खुला दिख रहा है, यही वाली फिश है। ये आप जब भी इसको एक्वेरियम में डालोगे तो ये आपके कहीं ना कहीं कांच में चिपक जाएगी, या फिर ये आपको तलघड़ में कहीं नीचे पे पत्थरों के पास चिपकी मिलेगी। और इसका काम दोस्तों सिर्फ इतना ही है, ये जो आपके एक्वेरियम में गंदगी होती ना, इसको ये पूरा साफ करती है, यानी कि इसको खाती है, इसका भोजन यही होता है। अब इसको रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, ये आपके फिश टैंक को एकदम क्लीन रखती है। जब भी आप इसे रखोगे तो आपको उसका फ़ायदा आपको दिख जाएगा। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने एक बड़ा सा एक्वेरियम खरीदा है या छोटा मोटा भी एक्वेरियम खरीदा, तो उसमें एक फिश जरूर ये वाली डालिए, क्योंकि ये फिश आपको बहुत फ़ायदा देगी। देखिए आप किस तरीके से अपने मुंह को खोल करके पूरे जो हमारे कांच को साफ़ करते जा रही है। एक्चुअली देखा जाए तो ये कांच को साफ़ नहीं कर रही है, ये अपना काम कर रही है। इसको जो अलगी होती ना, अलगी टाइप की चिपचिपापन जो होता है, ये सब उन्हीं को खाती है। और ये वाटर में भी यही काम करती है, और यहाँ पे भी हमारे एक्वेरियम को पूरा साफ कर रही है। जो अदर फिश जो गंदगी करती है, जो मलबा उनका छूटता है, उसमें जो गंदगी होती है, ये उस गंदगी को खाती है। ये पूरी गंदगी तो नहीं खाती, लेकिन जो उसके जो लायक की गंदगी होती है उसे साफ़ कर देती है, जिससे आपका एक्वेरियम एकदम क्लीन एंड क्लियर क्रिस्टल दिखता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। अभी के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।